नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। नमस्ते, मैं आपके साथ रोहित पोखरियाल। अंकिता भंडारे का आज अंतिम संस्कार होगा, पौड़ी के श्रीनगर घाट में अंत्येष्टि होगी। प्रशासन ने इसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। अंकिता के शरीर पर चोटों के कई निशान पाए गए। ऋषिकेश के एम्स में पोस्टमार्टम हुआ है, हालांकि लोगों में भारी आक्रोश है। रिजॉर्ट में भी तोड़फोड़ हुई है और इंसाफ की यहां पे लगातार मांग की जा रही है। आज अंतिम संस्कार होने वाला है और पौड़ी के श्रीनगर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो देर रात ही शव पहुंच गया था, लेकिन हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार रात में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, इसलिए आज सुबह अंत्येष्टि होगी। बेटी को दो इंसाफ, हैवानों को करो साफ। बंद हो अय्याशी का धंधा, हत्यारों को फंदा। सफेद पोश अय्याशों पर कब चलेगा बुलडोजर? उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड से पूरा देश हिला हुआ है। अंकिता को इंसाफ के लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग हो रही है। अंकिता के घर वाले पूरी तरह टूट चुके हैं। अब बेटी तो दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसके कातिलों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। कल को कोई दूसरी माँ फिर ऐसी ना रोए, उनको फांसी मिलनी चाहिए। देर शाम अंकिता भंडारी का पार्थिव शरीर ऋषिकेश से उनके घर पौड़ी लाया गया है। अंकिता का आज श्रीनगर के घाट पर अंतिम संस्कार होगा। अंतिम विदाई में भारी हुजूम उमड़ सकता है, इसलिए सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन की हालातों पर पूरी नजर है। व्यक्तियों का इसमें प्रतिभाग करने की संभावना को देखते हुए हम इसको समझ रहे हैं कि अधिक संख्या में लोग आ सकते हैं, तो अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पे उपलब्ध रहेगा और उसके लिए ड्यूटीज भी हमने निर्धारित कर दिया है। अंकिता के आखिरी कॉल का ऑडियो सामने आया है, जिसमें अंकिता बेहद डरी हुई लग रही थी। रो रो कर अपने साथियों से मदद मांग रही थी। अंकिता के साथ हुई दरिंदगी से जहां उनका परिवार सदमे में है, वहीं पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी लोगों का आक्रोश बढ़ा हुआ है। पौड़ी की बेटी को हर हाल में न्याय की मांग ने जोर पकड़ लिया है। यहाँ पर पूरी जनता की डिमांड ये है कि जो भी जितने भी ये गुनहगार हैं, इनको सख्त सजा मिले, फांसी की सजा सबकी डिमांड है। शनिवार को अंकिता भंडारी की डेड बॉडी को SDRF की टीम ने चीला नहर से बरामद किया, जिसके बाद ऋषिकेश में एम्स में शव का पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें चार डॉक्टरों का पैनल शामिल था। जो रिपोर्ट सामने आई है, उससे अंकिता पर हुई दरिंदगी उजागर हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकिता के शरीर में चोट के कई निशान मिले हैं, जो बताने के लिए ही काफी हैं कि मौत से पहले अंकिता को कैसी यातना दी गई थी। अंकिता की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई। इसी बीच आरोपी रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दोनों मैनेजर भास्कर और अंकित ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलकित BJP के पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा है। अंकिता की हत्या में शामिल होने के आरोप के बाद विनोद आर्य को पार्टी से निकाल दिया गया और बड़े भाई का दर्जा प्राप्त पद छीन लिया गया। सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने DIG पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया है। अंकिता की मौत के खुलासे के बाद पब्लिक का गुस्सा सातवें आसमान पर है। शनिवार को आनंद फानन में पुलकित के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया। खुद CM पुष्कर धामी इस वारदात के बाद एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। CM ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को अवैध होटल, रिजॉर्ट और गेस्ट हाउसों पर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। गरीब परिवार से आने वाली 19 साल की अंकिता पुलकित के रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही थी। आरोपों के मुताबिक जब पुलकित की नाजायज मांगों से मानने से इनकार किया, तो अंकिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा देश चाहता है कि पहाड़ की इस बेटी के गुनाहों को ऐसी सजा मिले कि देश में एक नजीर बने और आगे किसी की बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee Media।